हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रेंड्स एक कप गेहूं के आटा से बिल्कुल नए तरीके से स्नैक्स। फ्रेंड्स एकदम समोसा कचौड़ी आप भूल जाओगे अगर आप ऐसे एक बार ये रेसिपी ट्राई करोगे। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है, बहुत झटपट भी बन के गेहूँ काटे की नाश्ता बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, बाउल में एक कप गेहूँ के आटा लेंगे, वेट में 200 ग्राम है, आधी छोटी चम्मच मंगरैल, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और आटा को अच्छे से मैन करना है। आटा को अच्छे से मिक्स करना है, जितना हो सके उतना अच्छा आटा को अच्छे से मिक्स करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आटा को कभी भी पतले वाले छन्नी से छान के लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चोकर निकल जाए वही आटा लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल के आटा को गूंथेंगे, 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे करके हम पानी डालेंगे और आटा को गूंथते जाएंगे। सात से आठ चम्मच ही लगा है पानी और आटा गूंथ गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स एक कप पानी में थोड़ा सा ही पानी लगा है। आटा को अच्छे से गूंथ के रेस्ट पे रख देंगे कपड़ा से ढक के। फिलिंग बनाने के लिए फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन को गर्म करके 2 चम्मच तेल डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, 2 चिटकी जितना हींग डाल देंगे। ये सब जब तड़क जाए तब 2 सूखी मिर्ची को बारीक कटा हुआ डाल देंगे, 5 से 6 लहसुन बारीक कटा हुआ और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उतना हम प्याज को भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गया, अब इसमें मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। मैं गरम मसाला घर पे बना के तैयार की हूँ फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ये रेसिपी मसाला के देख सकते हैं। 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे। 300 ग्राम उबला हुआ आलू लेंगे, आलू को फ्राई पैन में डाल देंगे बिना मैश किए हुए, और उसमें डालने के बाद हम एक पोटैटो मैशर लेंगे और आलू को फ्राई पैन में ही अच्छे से मैश करेंगे। ऐसे मैश करने से फ्रेंड फिलिंग पतला नहीं होता है, अच्छे से बनता है, मसाले भी अच्छे से मिक्स होते हैं। आप चाहे तो प्लेट या कोई भी बॉल में आलू को मैश करके तब आप फ्राई पैन में डाल के भून सकते हैं, मैं डायरेक्ट भूनी हूँ फ्रेंड्स। इसे फिलिंग बहुत टेस्टी बनता है, अच्छे से इसको फिलिंग को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ तो एक थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको गैस ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसका हम टिक्की बनाएंगे, छोटा छोटा गोल गोल एकदम शेप बना लेंगे। आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में फ्रेंड्स, वैसे ही टिक्की बना लेनी है। ऐसे ही मैं दूसरा भी टिक्की बना ले रही हूँ। सारा टिक्की बना के हम एक ही बार तैयार कर लेंगे। सारा टिक्की बना के एक प्लेट में मैं रख ली हूँ। अब आटा को चेक करते हैं। आटा को अच्छे से 1 मिनट के लिए हाथ से मसल लेंगे, अच्छे से मसल लेंगे। आटा अच्छे से मसलने के बाद आटा को चाकू की मदद से 6 भाग में कट कर देंगे और एक बॉल बनाएंगे, इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे और इसको रोटी बेलेंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे फ्रेंड्स। आप चाहे तो परथन भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्रेंड्स तेल लगाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, परथन मत लगाइएगा, कोशिश करिएगा कि तेल ही लगा के रोटी को बेलें। अच्छे से रोटी को बेल लेंगे, मीडियम साइज का रोटी को बेलेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स रोटी एकदम ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। जो घर पे रेगुलर रोटी बनाते हैं उतना पतला ही रोटी को बेल के रखना है। और बीच में सेंटर में हम जो गोल टिक्की आलू का बना के रखे हैं उसको बीच में रख देंगे और चाकू की मदद से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कैसे कट कर रही हूँ, वैसे ही कट करना है। और चारों कॉर्नर पे हम पानी लगा देंगे ब्रश की मदद से और एक एक उठा के उस पर रखते जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये बहुत सुंदर एक फ्लावर का शेप ले लेता है। और बीच में फिंगर से दबाते जाएंगे, अच्छे से जो हम रख रहे हैं
इसको हम अच्छे से फिंगर से दबा देंगे, हाथ से इसे अच्छे से सेट कर देंगे और बीच में हल्के हाथों से दबा देंगे। एक फ्लावर का ये शेप ले लेगा, देख सकते हैं अच्छे से एक फ्लावर बन गया है। ऐसे ही दूसरा भी हम बना के तैयार कर ले हैं। मैं सारे कचौड़ी को बना के तैयार कर ले, अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें आधा लीटर तेल डालेंगे। तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसके बाद एक एक हम एक कचौड़ी डालते जाएंगे। इसको डाल के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए एक तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे, फ्राई होने देंगे। उसके बाद पलट देंगे, उलटते पलटते इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसको फ्राई मीडियम फ्लेम पे ही करें फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं करें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा फ्राई होने के बाद। आप लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। अच्छे से कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसका कलर आया है। फ्रेंड्स एकदम समोसा और कचौड़ी के जैसे मैदा का बनाते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही ये खस्ता होगा, लेकिन मीडियम फ्लेम पे लो फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा। और एक प्लेट में निकाल के हम इसको सर्व करेंगे चटनी के साथ। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो मिलेंगे।